अरे तक भी बोल दो ये चप्पल उतर दे अरे बच्चों छोटे पीछे जो बच्चे पीछे जो चालू कर जाओ थे नमाज यही पढ़ लेते हैं आमीन। जगह को अल्लाह ताला आबाद होने के फैसले फरमावे। हजरत की गुजारिश में सिर्फ आधा मिनट में
ये 13.5 बीघा जमीन खरीदी है। हमें इसमें 12वीं तक स्कूल लड़के और लड़कियों की और उसके साथ में आला तालीम तलबा की भी, और इसी तरीके से हमें इसको आगे बढ़ाते हुए अल्लाह तबारक व तआला जैसे तौफीक और हालात देंगे तो इसको तालीमी मेयार असली और दीनी उलूम में आगे बढ़ाने के अजायम और याद दें। अल्लाह ताला अपने फजल करम से और आपकी दुआओं से और तमाम मजमी की दुआओं से अल्लाह ताला पूरे फरमावे। आमीन। अपने आप को और अपने घर वालों को, जिसमें औरतें भी हैं और बच्चे भी हैं, उनको जहन्नम की आग से बचाओ। एक तो आम हालात होते हैं और एक वो हालात होते हैं जिसमें जहन्नम की तरफ ढकेला जा रहा होता है पूरी ताकत के साथ, ईमान छीना जा रहा होता है, ईमान वालों से, उनके बच्चों बच्चियों से ईमान को छीनने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही होती है। ढकेला जा रहा होता है पूरी हुकूमत की ताकत के साथ कि जहां तक हो सके करोड़ों ईमान वालों के नस्लों से कम ईमान छीन लो। ऐसे हालात जब होते हैं तो जाहिर है कि फिर हमारी बेचैनी, फिक्रमंदी, जिम्मेदारी और मेहनत बहुत बढ़ जाना चाहिए। हम आम हालात में नहीं जी रहे हैं। कोई बीमारी फैली होती है, कोई वायरस, कोरोना वायरस जैसा फैला होता है तो बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, बहुत एहतियात करनी पड़ती है, बहुत पाबंदियां अपने ऊपर लगानी पड़ती है। और जिम्मेदार हुकूमतें पूरी ताकत लगाती हैं कि उनके शहरियों को एक एक को पता हो कि कैसे बचना है इस वबा से, कोई किसी से हाथ न मिलाए, एक गज का फासला रखे, मास्क लगाए, ये करे और वो करे, सारी एहतियातें करनी पड़ती हैं, इसलिए कि फैल रहा है कोई बीमारी फैल रही है। किसी को वो पाबंदी अच्छी लगे या न लगे लेकिन वो बर्दाश्त करते हैं। अब इस वक्त हमारे मुल्क में जुल्म और कुफर और शिर्क आंधियां चल रही, वायरस छोटी सी बीमारी नहीं है, छोटा सा कोई कीड़ा नहीं है, जो है वो इस वक्त थोड़े से वक्त में बताना भी मुश्किल है। इसलिए इस वक्त जिस शख्स के ऊपर ये फिक्र सवार नहीं है, जिसको बेचैनी नहीं है कि अब हमको क्या करना है, अपने बच्चों और बच्चियों को कैसे बचाना है, क्या तालीम देनी है, मस्जिदों को कितना आबाद रखना है। अब तो मस्जिदों को दिन में आबाद रखने से मस्जिदें महफूज नहीं हैं, अब रातों को भी मस्जिदों को आबाद रखना पड़ेगा, वरना घुस घुस कर इमामों को मारा जा रहा है। जमाना क्या है इसको समझिए। ये छोटे छोटे मदरसे गांव के मकातिब बहुत कीमती है, बहुत कीमती। बार वक्त बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां वो काम नहीं कर पाती जो मकातिब कर देती। अल्लामा इकबाल कोई मौलवी नहीं थे, मदरसे के पढ़े हुए नहीं थे, उन्होंने यूरोप की यूनिवर्सिटियों से वो डिग्रियां ली थी जिन डिग्रियों का नाम भी हमारे मुल्क में बहुत कम लोग जानते थे।
मगर उनके सामने एक मरतबा कुछ गुफ्तगु चल रही थी तो किसी साहब ने ये मकतब और मदरसों को कहा कि क्या बेकार मदरसे मकतब चलाए जा रहे हैं, इससे क्या फायदा हो रहा है, कौन को क्या मिल रहा है इससे, कि लोगों के सामने असल में रोजी रोटी ही असल चीज है, इसलिए वो कहते हैं कि इससे क्या मिल रहा है। तो मैंने अखबार ने कहा, मैं किसी मौलवी का बात नकल नहीं कर रहा हूं,